अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ अदरक वाली चिकन, मैं इसको कहती हूँ। और ये भुनी हुई बनती है और ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मुझे एक प्याज और टमाटर और ये हाफ के जी चिकन है मेरे पास, और क्योंकि ये अदरक चिकन है इसलिए मैंने ये अदरक ज़्यादा लिया है, 2 टेबल स्पून। हाफ स्पून रेड चिल्ली पाउडर है, कुटी भी लाल मिर्च है, दर्दी मिर्च भी कहते हैं कुछ लोग इसको, और क्रश्ड रेड चिलीज, और ये ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, और नमक हसबे जायका। अब हम लोग इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। प्याज ले रही हूँ मैं, उसको मैं नॉर्मल स्लाइसेस कट कर लूँगी प्याज के। जो एक्स्ट्रा इसकी मोटा छिलका होता है वो सब निकाल दें, और ये येलो पार्ट भी निकाल देना चाहिए, ये भी निकाल देना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है ये चिकन, आपको पता है, टाइम भी नहीं लेता। यही रेसिपी आप अपने मटन के साथ भी फॉलो कर सकते हैं और बीफ के साथ भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बीफ को ये है कि आप पहले से बॉईल कर लीजिएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ हमने एक पैन ले लिया और फ्लेम ऑन कर रही हूँ। इसमें हम जो है प्याज जो हमने काटी है उसको डाल देंगे और पानी ऐड कर देंगे। इससे थोड़ा सा जो कढ़ाई होती है या भुना हुआ सालन होता है उसमें हल्का सा जो है शिमला मिर्च का टेस्ट आ जाता है, बहुत मज़े की बनती है। और प्याज को आपने पानी में गलाना है और ये ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में गल जाती है। इसको हम रख देंगे सिमर करने के लिए 10 मिनट्स के लिए और ये अच्छे से ज़बरदस्ती गल जाएगी। फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, अब इसको 10 मिनट्स गुजर चुके हैं। 10, अब हम देख लेते हैं कि ये प्याज कैसी हो चुकी है। ये देखें, ये अच्छी खासी गल चुकी है। पानी मुझे लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। इसको हम डिसॉल्व कर लेंगे और साथ साथ इसको ऐसे से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये जो है थोड़ी सी टूट जाए और गल और छोटी छोटी सी हो जाए और मज़ीद गल जाए। ये प्याज अब अच्छी तरह गल चुकी है, ये देखें। इस तरह प्याज को आप गला के इसको आप रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं आराम से, और ये 1 वीक के लिए रेफ्रिजरेट हो सकती है। और जिस भी चीज़ के लिए आपको किसी भी गली हुई प्याज चाहिए जो भी खाने के लिए, आप इसको आराम से निकालें और खाने में डालें और ये रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये मैं एक बाउल में निकाल लूँगी क्योंकि ये हमें लेटर यूज़ के लिए चाहिए। ये जो है, अब ये प्याज हमने लेटर बाद में डालनी है, तो ये मैंने टमाटर भी कट करके रखे हुए हैं आज, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। बस अब इसमें मैं ये ऑयल डाल रही हूँ और ऑयल के साथ ही हम इसमें चिकन फ्राई करेंगे। जो मैंने 1/2 kg आपको बताई है कि मैंने निकाली है, ये चिकन इसमें डाल देंगे। तो
थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी ले लेते हैं और इसमें हरा धनिया भी जाएगा। थोड़ा फ्रेश रेड चिली, ब्राउन रेड चिली, इसे तो हम कलर के लिए डाल दें और नमक। अच्छा बाकी जो ये है काली मिर्च ये हम बाद में ऐड कर लेंगे। अब इस अदरक और मसालों के साथ आप चिकन को अच्छी तरह से भून लें। ये देखें यार कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। मेरे घर में बहुत शौक से खाई जाती है, मैं इसको दो हफ्ते में एक दफ़ा या हफ्ते में बना लेती हूँ, दो हर हफ्ते एक दफ़ा ज़रूर बन जाता है और बहुत पसंद किया जाता है और बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएँ कि ये आप लोग को घर में किस किस को पसंद आई। दैट्स द इंटरेक्शन बिटवीन व्यूअर्स एंड अस। अच्छा ये देख लें, अब ये अच्छा सा भून गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ गई है। देखें व्यूअर्स टमाटो डालते ही ना इतनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ गई है, वाओ अमेजिंग। अब मैं इसको सिमर करने रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट्स ओनली। ये देखें टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, फिर थोड़ी करके ऐड करूंगी ताकि साथ साथ गलती जाए और भुनती जाए। हाफ एन आवर इसका कुकिंग टाइम है। और अगर प्याज आपके पास पहले से गली भी रखी हुई है तो फिर तो ये 20 मिनट्स में बन जाती है, 20 to 25 minutes। और सर्विंग भी इसकी 4 people की है। अभी देखें अगर मैं सारा प्याज डाल देती तो ये देर से भुनता, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि साथ साथ भुनता जाए और मुझे टाइम भी मिल जाए कि मैं टमाटर को भी साथ साथ मैश कर लूँ। सारा प्याज इसके अंदर ऐड कर दिया और अब मैं इसे भूनूंगी। टू टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, दही से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी, बस 2 टेबल स्पून ऐड करनी। बहुत ज़्यादा ऐड करने से ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, हम ऑलरेडी टमाटर डाल चुके हैं इसमें।
अब ये मज़ीद भुनेगा। ये देखें अब आप लोग ये कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल हो गई है, और चिकन लेग भी बहुत हसीन लग रही है, और जल्दी से खाने का मन हो रहा है। तो अब आप देखें ये भुन गई है अच्छे से, और अब मैं जो है इसमें थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया गार्निश करूँगी, और बाकी डिश आउट करने के बाद गार्निश करूँगी। मैंने ग्रीन चिलीज़ भी कट करके रखी हुई हैं, ग्रीन चिलीज़ एंड ब्लैक पेपर एंड हरा धनिया। ये इसके साथ थोड़ा सा भुन जाएगा। अब आप देखिए ये ना ज़्यादा ड्राई है और ना ज़्यादा इसमें मसाला है, एक मुनासिब मसाला है, और ऑयल भी सारा सेपरेटेड है। और ना ज़्यादा मसाले हैं, बहुत सिंपल सी है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने डिश आउट कर दिया है, और ये गर्मा गर्म रोटी भी तवे पे तैयार हो चुकी है। हम इसको घर की रोटी के साथ खाते हैं, आप नान के साथ भी खा सकते हैं, और रोगनी नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। मैं अभी आपको इसकी गार्निशिंग करके बताती हूँ। ये मेरे पास सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले अर्लियर बताई थी, तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये साथ में मेरा तवा भी जल रहा है, और मैं एक और रोटी डाल दूँ उसके ऊपर, आप लोग भी इंजॉय करें। और ये देखें दिस इज़ डन, अभी मैं आपको प्लेटिंग भी करके दिखाती हूँ। ये इसकी प्लेटिंग हो गई है, और ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है प्लेट में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।